Shazia Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. Today I am going to teach you future continuous tense. Future continuous tense is the second kind of future tense. आज हम इसके affirmative sentences करेंगे जिसकी उर्दू में पहचान कुछ यूँ है. उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा होगा, होंगे जैसे अल्फाज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सूरज ग़ुरूब हो रहा होगा, द सन विल बी सेटिंग. लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे, द बॉयज विल बी फ्लाइंग काइट्स. बच्चा खिलौने तोड़ रहा होगा, द चाइल्ड विल बी ब्रेकिंग ट्वाइस. इंग्लिश में बनाने का तरीका कुछ यूं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब या शैल बी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट. वर्ब इसमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है. सारे कंटिन्यूस टेंसेस में फोर्थ फॉर्म यूज होती है. फोर्थ फॉर्म कैसे बनानी है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप आईएनजी लगा दें तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी. अब सब्जेक्ट आई और वी लेके इसके साथ हम लगाएंगे शैल बी. फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी आईएनजी वाली, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ही शी इट
यू दे सिंगल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट इन सब के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे फोर्थ फॉर्म लगाएंगे फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर वन में देखें मैं किताब पढ़ रहा हूँगा मैं किताब पढ़ रहा हूँगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें लगाएंगे मैं इंग्लिश आई अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल बी आई के साथ शैल बी आएगा फिर वर्ब पढ़ रहा हूँगा पढ़ने की इंग्लिश लगाएंगे रीडिंग ये फर्स्ट फॉर्म है रीड ठीक है इसके साथ आई एन जी लगा के रीडिंग बनाया ये फोर्थ फॉर्म बन गई है आई शैल बी रीडिंग अब ऑब्जेक्ट इसमें है किताब द बुक आई शैल बी रीडिंग द बुक एग्जाम्पल नंबर टू में देखें मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा फिर इसमें सब्जेक्ट आई है मैं को देखते हुए आई लगाया और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा आई शैल बी जिल्द बना रहा हूँगा अब इसमें वर्ब जो है ना जिल्द बनाने की इंग्लिश होती है बाइंडिंग बाइंड के साथ आई एन जी लगा के हमने बना ली फोर्थ फॉर्म आई शैल बी बाइंडिंग और ऑब्जेक्ट इसमें भी किताब है द बुक आई शैल बी बाइंडिंग द बुक एग्जाम्पल नंबर थ्री देखें बारिश हो रही होगी इट विल बी रेन के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि इट ही आता है तो इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल क्योंकि हमारा कंटिन्यूस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस जा रहा है सेंटेंस बनाने के लिए विल भी यूज़ करेंगे इसमें इट विल बी रेनिंग रेन के साथ आई एन जी लगा देंगे ये वर्ब बन जाएगी इट विल बी रेनिंग नंबर फोर पे देखें सूरज शुरू हो रहा होगा इसमें सब्जेक्ट सूरज है द सन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी आएगा द सन विल बी तुलू हो रहा होगा यानी निकलने की इंग्लिश तुलू होने की इंग्लिश होती है राइजिंग आर आई एस ई होता है राइज जब आई एन जी जिस कैन में ई हो लगाते हैं तो वही ख़त्म हो जाता है राइजिंग द सन विल बी राइजिंग नंबर फाइव पे देखें खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे सब्जेक्ट इसमें है खिलाड़ी ज्यादा हैं इसलिए द प्लेयर्स इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी द प्लेयर्स विल बी खेल रहेंगी प्ले होता है वर्ब खेलने की इंग्लिश आई एन जी लगाएंगे प्लेइंग
द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग मैदान में इन द फील्ड इन द ग्राउंड भी आ सकता है. द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड या द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड. माली पौधों को पानी दे रहा होगा. अब इसमें सब्जेक्ट है माली, इसकी इंग्लिश होती है द गार्डनर. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी. द गार्डनर विल बी पानी देने की इंग्लिश होती है पौधों को वाटरिंग. ऑब्जेक्ट है पौधे द प्लांट्स. द गार्डनर विल बी वाटरिंग द. नंबर 7 में देखें वो ड्रामे में हिस्सा ले रहा होगा, लड़का है इसलिए वो के लिए हम लगाएंगे ही और इसके साथ लगाएंगे विल बी. He will be हिस्सा लेने की इंग्लिश होती है taking part. देखिए टी ए के ई होता है, ई खत्म कर दिया और आई एन जी लगाया तो taking यू बनाया हमने. He will be taking part in the drama. एग्जाम्पल नंबर 8 में देखे तुम दरिया में नहा रहे होगे. अब इसमें सब्जेक्ट देखें तुम, इसकी इंग्लिश लगाएंगे हम यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी. यू विल बी नहाने की इंग्लिश होती है टेक बाथ. हम बनाएंगे टेक से टेकिंग क्योंकि कंटिन्यूज है हमारा टेंस. यू विल बी टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, दरिया में नहा रहे होंगे. हम मकान में सफेदी कर रहे होंगे. अब इसमें सब्जेक्ट हम हैं वी, वी के साथ आएगा शैल. वी शैल बी सफेदी करने की इंग्लिश होती है वाइट वॉशिंग. We shall be whitewashing the house. ये ऑब्जेक्ट है हाउस. इसमें नंबर 10 पे देखें चांद ग़ुरूब हो रहा होगा. अब इसमें सब्जेक्ट है चांद द मून. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी. आई वी के साथ बस चल आएगा, बाकी सब के साथ विल लगाना है. द मून विल बी ग्रुप होने के होता है, ग्रुप होने की इंग्लिश सेट है, हमने आई एन जी लगा के बनाना है सेटिंग. द मून विल बी सेटिंग. और एग्जाम्पल में देखें वो हंस रही होगी. अब वो यहाँ पे लड़की के लिए आया इसलिए हम लगाएंगे शी. शी के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी. शी विल बी हंसने की इंग्लिश होती है लाफ और आई एन जी लगा देंगे बन जाएगा लाफिंग. शी विल बी लाफिंग.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो मजाक कर रहे होंगे, वो मजाक कर रहे होंगे। अब ये वो ज़्यादा के लिए आया है, इसलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी, दे विल बी। मजाक करने के इंग्लिश होते हैं जॉक करना, हम ई ख़त्म करके आई एन जी लगा देंगे, दे विल बी चॉकिंग, वो मजाक कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फकीर भीख मांग रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट है फकीर, द बेगर, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा विल बी, द बेगर विल बी, भीख मांगेंगे, नेगी इंग्लिश होती है बैगिंग, बैग के साथ आई एन जी लगा दिया, दरमियान में जोर होता है स्पेलिंग पे तो फिर उसको डबल कर देते हैं, द बैगर विल बी बैगिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी इंग्लिश लर्निंग विद शाजिया एंड आल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल टीच यू negative sentences of future continuous tense in my next video. Allah Hafiz.